कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है। भारत भी कोरोना के कारण पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में है। जब देश इतनी मुश्किलें झेल रहा हो तो स्वाभाविक है कि देशवासी सही जानकारियां पाने के लिए न्यूज मीडिया का रुख करेंगे। न्यूज चैनल्स का भी ये काम होना चाहिए कि वे लगातार देशवासियों को सही हालातों के बारे में जानू करवाएं और समय समय पर देश में इस मुश्किल से लड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं वह जनता को बताएं। लेकिन हमारे देश का मीडिया कुछ अलग ही है। हम आपको आज कुछ चैनलों की टीआरपी के लिए की जा रही महान पत्रकारिता दिखाने जा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो आज भी मुद्दों की बात करके सही जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आइए आपको दोनों असल मीडिया और टीआरपी मीडिया में फर्क दिखाते हैं। कि हम अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों की ना तो पहले जांच कर रहे हैं और ना ही उन्हें लेकर किसी प्रकार का हम प्रोटोकॉल पूरी तरह से स्थापित कर पाए हैं। 8 अप्रैल को एम्स के न्यूरो विभाग के एक डॉक्टर सहित 30 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन पर भेजा गया है। यहां भी एक मरीज से संक्रमण फैलने की बात सामने आई है। दिल्ली सरकार के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 3 डॉक्टर, 17 नर्सिंग स्टाफ और 1 सफाई कर्मी सहित कुल 21 लोग संक्रमित हो गए हैं। गंगाराम अस्पताल में एक डॉक्टर समेत 108 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन में भेजा गया है। कुछ को घर में, कुछ को अस्पताल में रखा गया है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल में एक कोरोना के मरीज के संपर्क में आए 83 मेडिकल स्टाफ की मेडिकल जांच के आदेश दिए गए हैं। 76 लोगों को आइसोलेशन और क्वारंटीन में रखा गया है। इस अस्पताल में 2 डॉक्टर, 4 नर्सिंग अफसर और 1 वार्ड बॉय का टेस्ट पॉजिटिव निकला है। मैं रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, जब तक जरूरी पड़े हम सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट आई हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस इन आवर स्टूडियोज इन दिल्ली। आई एम वेरी ग्रेटफुल द वन एंड ओनली बाबा रामदेव देयर एंड ही इज देयर विद आवर पॉलिटिकल लीडर। सुबह की शुरुआत योग के साथ। एक स्लोगन देता हूं रिपब्लिक भारत पर मैं देश को, योग करो ना, नो कोरोना। जरा सिंपल कुछ समझा दीजिए मुझे, एक एक्सरसाइज। जो जवान है वो ऐसे कर ले। यदि जवान व्यक्ति 100 बार और बुजुर्ग व्यक्ति 50-60 बार ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लेता है, इसका मतलब उसको कोरोना नहीं है। स्वामी जी, कोरोना नेगेटिव है। स्वामी जी, एक और मैंने आसन शुरू किया है अभी, ये मेरा इन्वेंशन है, आपको बताऊं। उसमें 10,000 कैलोरी भी जाती है। हाँ बताइए बताइए। हाँ, उसमें लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। विवाद आसन, आप 2 घंटे मेरी तरह सुबरात आप 7 बजे शुरू कीजिए, 11 बजे खत्म कीजिए, मैं डेली करता हूँ। 1 घंटे हिंदी में डिबेट, 2 घंटे अंग्रेजी में डिबेट, इतना एक्सरसाइज हो जाता है, इतना अनुलोम विलोम सब हो जाता है स्वामी जी, हाथ पांव के एक्सरसाइज भी हो जाते हैं दिन भर। तो मेरा तो वो डिबेट आसन मैं करता हूं, उससे मेरी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। गुजरात से कुछ शर्मनाक तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के ये वर्कर्स जो हैं वो जमीन पर उतर आए हैं, वो वापस अपने घर जाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से कि आखिर इन मजदूरों का आप ख्याल क्यों नहीं रख पा रहे, क्या वजह है कि उड़ीसा के मजदूर सड़क पर हैं और क्या वजह है कि इस बड़ी खबर पर पूरी तरह से एक सन्नाटा बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि अब तक मध्य प्रदेश में जहां 30 से ज्यादा लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं, अब तक उनका स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। इंदौर को इस बात का गौरव हासिल है कि वो देश का सबसे साफ शहर है। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त 90% जो मामले हैं वो इंदौर से उभर कर आ रहे हैं। इस तस्वीर के मुताबिक मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा लोग जो हैं अब तक कोरोना से मारे जा चुके हैं, और इंदौर की बात करें तो यहां कम से कम 26 लोग कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। अंजना, बचपन में जो खेलते थे वो याद तो होगा आपको, तो इस बार मैं शुरू कर रही हूं समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम, आप परंत हुआ म, तो म से मुझे गाना गाना है। मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मुझे लगता है कि उखड़ा उखड़ा ही रहना अभी ठीक है। श्वेता सही बस से गाना गाइए, चलिए बताइए। श्वेता कुछ और दो ना, मुश्किल है। सही, टिक टिक वन
टिक टिक टू नहीं श्वेता, थोड़ा सा मदद मैं मदद करूं? मदद करो यार प्लीज। चलिए ये है भी साथ साथ वाला गाना। अच्छा, बम चिकी चिकी बम, चिकी बम 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 चिकी चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के लिए गाओ 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 एक दूसरे के वास्ते जीना पड़े तो हैं तैयार हम। मुझे लगता है तो पे एंड करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक करीब 40 करोड़ लोग भारत में इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं और गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे। तो सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये जो स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं उससे काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा कि जिससे नौकरियां बढ़े, जिससे परचेजिंग पावर आए। एक हमारे यहाँ की संस्था है, बहुत ही रिस्पेक्टेड संस्था है, CMIE, उसका कहना है, इनका कहना है कि जो बेरोज़गारी की जो दर थी ग्रामीण भारत में, वो 22 मार्च को जो हफ्ता ख़त्म हुआ था तब 8.30% थी, वो 29 मार्च से 5 अप्रैल तक 29 मार्च से 29 मार्च को वो हो गई 20.29% और 29 मार्च से 5 अप्रैल तक 20.21% हो गई। पर आपकी बात ऐसे कहने से कोई सुनने वाला नहीं है मीका जी, जब तक आप गा के नहीं बताएंगे सबको। सुलेमान मर्चेंट सुन रहे हैं आप, देश को बांध दीजिए एक दौर में, गा के कुछ बताइए, गिव देम अ रिस्पॉन्स इन सुर में, गा के तो कुछ थैंक यू करिए ना। मोहित चौहान, द स्टेज इज योर्स, ओनली वन कंडीशन ऑन यू, जो भी कहना है सुर में कहिए, लय में कहिए, ताल में कहिए। यू हैव दिस नंबर, यू नो वी आर एक्चुअली ऑल ऑब्जर्विंग दूरियां, एंड यू हैव ये दूरियां, यू नो इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट, वाई डोंट यू सिंग दैट फॉर ऑल पीपल ऑब्जर्विंग सोशल डिस्टेंसिंग, एंड माई ऑल टाइम फेवरेट, आई हैव मेनी ऑफ दोज, सो वन मोर, कुन फाया कुन। मोहित चौहान, कुन फाया इज माई पर्सनल फेवरेट, थोड़ा तो हो जाए। वन सॉन्ग एंड आई वॉन्टेड हिम टू सिंग दिस, धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा, यू नो बेनी वाई डोंट यू सिंग दैट फॉर अस, कोई तो पेट्रियोटिक गाना गा दीजिए सारे मिलकर। अंत में हम यही कहेंगे कि मीडिया भी इस मुश्किल समय में अपनी जिम्मेवारी समझे और TRP के लिए किया जा रहा है ये नाटक को छोड़कर असल पत्रकारिता करने पर ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।